हेलो। तो हमारा आज का चैप्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में हम टॉपिक करेंगे प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। सो फर्स्ट प्रोसीजर में इंक्लूड है स्टैचुरी प्रोविज़न, मतलब कि अलॉटमेंट शुरू करने से पहले तो कंपनी को एक अपने एक प्रोविज़न अपनी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास आउट करना पड़ेगा कि हम शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करना। उसके बाद है कंपनी जो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करेगी पब्लिक में। ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है कि इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें एक इंटेंशन पब्लिक की देखी जाती है, कंपनी कितना अप्लाई करेगी। बस एक इन्फॉर्मेशन के रूप में ये इशू किया जाता है कि कंपनी ये इशू कर रही है शेयर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट कमिटी का मतलब है कि हमने पहले पढ़ा है कि जब भी अलॉटमेंट होती है तो उसमें जो भी फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर कोई भी कंपनी अलॉटमेंट करती है तो उसके लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो शेयर्स को अलॉट करे। तो इसलिए कंपनी एक अपनी अलॉटमेंट कमेटी बनाती है जो अलॉटमेंट को आगे वो करेगी, प्रोसीड करेगी। इसके बाद आता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें जो भी अलॉटमेंट कमेटी की जो भी रिपोर्ट है वो देखी जाएगी। बाय अ रेजुलेशन ऑफ द बोर्ड द डायरेक्टर्स कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। इसका मतलब कि जो भी डायरेक्टर्स के ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है कि उनको ये रिपोर्ट अच्छी लगी या बुरी, वो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है विदाउट गिविंग एनी रीज़न। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग द एंट्री इनटू द शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स साइंस ऑन ईच पेज, साइन ऑन द ईच पेज ऑफ द अलॉटमेंट लिस्ट एंड मेक द एंट्री डेट द अलॉटमेंट हैज़ बीन मेड। इसमें क्या होता है, जो भी चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो अलॉटमेंट लिस्ट के हर पेज पर साइन करता है, और इससे क्या होता है दैट द अलॉटमेंट हैज़ बीन मेड। इसके बाद उस नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट्स। ये हमारा एक जनरल प्रोविज़न है, उसमें एक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में भी अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इसमें क्या होता है इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स है जिन्होंने हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, एक अपनी एप्लीकेशन दी है, तो जो भी शेयर कंपनी है उनको इन्फॉर्म करेगी एप्लीकेंट्स को कि आपको अलॉटमेंट कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। इसमें क्या होगा, जब कंपनी अपना अलॉटमेंट लेटर भेजेगी एप्लीकेंट्स को, और उसमें क्या होगा कि कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। इसके बाद है उनको अलॉटमेंट मनी मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपेयरिंग द शेयर सर्टिफिकेट्स। शेयर सर्टिफिकेट्स मतलब कि आपको कोई तो वो होगा ना कि कंपनी किसी कंपनी इशू दे रही है आपको शेयर्स दे रही है, तो कंपनी उसके लिए कुछ प्रूफ तो देगी ना कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, वो चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो पेपर वर्क में हो कुछ भी हो, तो वो कंपनी इशू करती है, प्रिपेयर करती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें प्रिपेयरिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मीन जो भी जिन्होंने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करा और कंपनी ने उनको अलॉट कर दिया, तो उसके बाद कंपनी उनके लिए एक वो बनाएगी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जिसमें उसके सारे मेंबर्स का जितनी कितनी परसेंट होल्डिंग है वो सब मेंशन होगा।